190 मिलियन पाउंड केस में इमरान और बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में आज तलब। अलकादिर ट्रस्ट की तफसीलात साथ लाने का हुक्म। नैब का इमरान खान की पूरी काबीना के बयान रिकॉर्ड करने का फैसला। अली जैदी, जुल्फी बुखारी, शेख रशीद भी 24 मई को नैब को तलब। पुलिस तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी को कराची से लेकर जैकबाद के लिए रवाना। फिरदौस शमीम नकवी को सक्कर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अहले खाना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फिरदौस शमीम नकवी बीमार हैं, सक्कर जेल के बजाय कराची के अस्पताल में रखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वशीन के लिए रवाना। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ मुख्तलिफ मनसूबों का मुश्तरका इफ्तिताह करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान सरहद पर मंद पशीन सरहदी मंडी और बोलान में बिजली की तरसील लाइन के मुश्तरका मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्की सियासी सूरतहाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बात होगी। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जिना हाउस लाहौर और रेडी पाकिस्तान पेशावर में सिविल सोसाइटी की आमद का सिलसिला जारी। शरपसंदों के हाथों तबाहकारियों की मजम्मत, कहा कौम इन जमीर फरोशों को कभी माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान की सूरतहाल पर अमरीकी कांग्रेस के 66 अरकान का वजीर ख्वाजा एंटोनी ब्लिंकन को खत। गिरफ्तारियों और हलाकतों पर तशवीश। खत में कहा गया, सियासी तनाव और तशद्दुद पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरतहाल को बिगाड़ सकता है। आजादी इजहार राय और इज्तिमा की आजादी के खिलाफ वर्जी की तहकीकात कराई जाए। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी के साथ बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, झंग, जुड़ावाला, टांडियावाला, बूरेवाला समेत दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रक। मियांवाली में तूफानी बारिश से मस्जिद की दीवार गिर गई, 4 बच्चे जांबाग, 3 जख्मी। बूरेवाला में मकान की छत गिरने से मां बेटा जख्मी है।